प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको जय मसीह की। पास्टर पॉल यंगिचो अपने छोटी सी गवाही बताते हैं। मैंने एक बार इंग्लैंड में बहुत बड़ा आराधना चंगाई वाला मीटिंग किया। रात को मीटिंग खत्म होने के बाद एक जर्मनी सिस्टर मुझे मिलने के लिए आई। वो सिस्टर अपने पति के साथ थी। जर्मनी सिस्टर मुझसे बोला, पास्टर आपको मेरा घर आके प्रार्थना करना पड़ेगा। मैंने उस जर्मनी सिस्टर से बोला, नहीं सिस्टर, मैं आपके घर नहीं आ सकता, क्योंकि सिस्टर जिस पास्टर ने मुझे इधर प्रार्थना करने के लिए मीटिंग चलाने के लिए बुलाया है, उन्होंने मुझे रहने के लिए सादा सुविधा करके रखा हुआ है, इसलिए सिस्टर मैं आपके घर नहीं आ सकता। वो जर्मनी सिस्टर बोली, पास्टर जी मैं आपके पास्टर से परमिशन ले लूँगा, आप अपनी सामान सारा लेके मेरे घर आओ। ऐसे बोल के वो जर्मनी सिस्टर मुझे जबरदस्ती अपने कार में बिठा के अपने घर लेके गई। उस जर्मनी सिस्टर के घर हम लोग गए। वो बहुत बड़ा घर था, वहाँ पर मुझे रहने के लिए सारा सुविधा था। वो जर्मनी सिस्टर शाम के टाइम में मुझे चाय पिलाया और अचानक वो जर्मनी सिस्टर रो पड़ी, बहुत जोर से रोने लगी। पास्टर जी मैं आज आपका प्रचार सुना, मेरा मन में लगा कि आपको मेरे घर लेके आऊं और मेरा सारा दुख आपको सुनाऊं। पास्टर जी हमारा घर तो बड़ा है, लेकिन हमारा घर में बहुत बड़ा फाइनेंस प्रॉब्लम है। हमारा परिवार बहुत बड़ा फाइनेंस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उधार में फंसा हुआ है। बहुत लोग से हमने कर्जा ले रखा है, वो लोग रोज हमें आके तंग कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये घर बेच के उधार भर दें, मगर अभी तक ये घर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पास्टर जी आप मुझे मदद करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को छुटकारा जिंदगी चाहिए, मैं सुख जीवन जीना चाहता हूँ। ऐसे बोल के वो जर्मनी सिस्टर बहुत जोर से रो पड़ी। वो जर्मनी सिस्टर इतना चिंता में थी, उसके शरीर में बहुत सारा बीमारी था। मैंने जर्मनी सिस्टर को बोला, सिस्टर आप मत रोना, आप आंसू मत बहाना, आप अपने बाइबल उठाओ, जो मैं बोलता हूँ उस वचन को पढ़ो। सिस्टर आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, जब परमेश्वर इस दुनिया को रचना किया है, तब परमेश्वर ने आदम से हेल्प मांगा क्या? आदम मुझे हेल्प कर दो इस दुनिया को मुझे रचने के लिए, ये दुनिया को मुझे बनाने के लिए आदम मुझे हेल्प करो, ऐसे परमेश्वर ने आदम से हेल्प मांगा क्या? इसका जवाब मुझे दे दो सिस्टर, ऐसे मैंने उस जर्मनी सिस्टर से पूछा। वो जर्मनी सिस्टर बाइबल से पहले अध्याय पढ़ने के बाद पास्टर पॉल यंगिचो से बोला, पास्टर जी नहीं, परमेश्वर ने आदम से हेल्प नहीं मांगा, बाइबल में ऐसे लिखा ही नहीं है। परमेश्वर आदम से हेल्प मांगा और इस दुनिया को रचना की, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे जर्मनी सिस्टर ने जवाब दिया। मैंने जर्मनी सिस्टर से बोला, सिस्टर अच्छी तरह बाइबल पढ़ो, पहले दिन में, दूसरा दिन में, तीसरा दिन में, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे में, सेवन्थ डे में, क्या परमेश्वर आदम से हेल्प लेके दुनिया को बनाया क्या? आदम से हेल्प लेके इस दुनिया को रचना किया क्या? इस दुनिया को निर्माण किया क्या? इसका जवाब मुझे दे दो सिस्टर, ऐसे मैंने जर्मनी सिस्टर से पूछा। जर्मनी सिस्टर ने अच्छी तरह बाइबल पढ़ी और बोली, नहीं पास्टर, मेरा बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी परमेश्वर ने आदम से हेल्प नहीं मांगा, मुझे हेल्प कर दो आदम, मैं इस दुनिया को रचना करना है, इस दुनिया को निर्माण करना है, मुझे हेल्प कर दो आदम करके कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे उस जर्मनी सिस्टर ने जवाब दिया। मैंने जर्मनी सिस्टर से पूछा, सिस्टर क्या आपका परेशानी हटाने के लिए, आपको दुख हटाने के लिए, आपका सारा बीमारी हटाने के लिए, आपको सुख जीवन देने के लिए परमेश्वर आपसे हेल्प मांगेंगे, ऐसे मैंने जर्मनी सिस्टर से पूछा। आदम और अव्वा को जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर विश्वास करना है और आराधना करना है। और जर्मनी सिस्टर को मैंने बोला, सिस्टर उत्पत्ति 2:1 वचन पढ़ो, आदम और अव्वा को जो कुछ भी चाहिए था सारा परमेश्वर ने पूरा किया। सिस्टर आप परमेश्वर से विश्वास करना है और परमेश्वर को आराधना करना है। अगर आपके पास विश्वास की कमी है, आप प्रार्थना करें। ये मेरा सारा बात सुनकर वो जर्मनी सिस्टर बहुत जोर से रो पड़ी और तुरंत घुटने में बैठी। अपनी सारा चिंताओं को यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल दो। जर्मनी सिस्टर और मैंने घुटनों में प्रार्थना किया।
जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुने। ये जर्मनी सिस्टर का सारा उदास, सारा कर्ज दूर करें। ये जर्मनी सिस्टर के घर पे जितना भी चिंता है, शरीर में, घर में, सभी परेशानी को दूर करें। ये जर्मनी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ सुख जीवन जीना है, इनको मार्ग खोल दें। हम दोनों ने बहुत जोर से प्रार्थना किया, सिस्टर हम चिंता करेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह को पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अपना सारा चिंताओं को, अपना सारा दुख को परमेश्वर को ऊपर रखना है और हमें विश्वास के साथ परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करना है और हमें बाइबल के अनुसार विश्वास के साथ चलना है। सिस्टर हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमें चिंता करेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं है। प्रार्थना खत्म होने के बाद जहाँ पर मीटिंग चल रहा है, मगा चंगाई सभा चल रहा है, उस मैदान में मैं आ गया। एक हफ्ते के बाद उस जर्मनी सिस्टर से मुझे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा हुआ मैंने पढ़ा, प्रेज लॉर्ड पास्टर, आप मेरा घर आए, मुझे प्रार्थना किया, मुझे अच्छी तरह समझाया। पास्टर जी, थोड़ी दिन बाद एक परिवार मेरे घर आए, जो हम रहते हैं वो बड़ा घर को उन्होंने ले लिया और हमने उस पैसे से सारा उधार भर दिया और एक छोटा सा घर ले लिया। उस छोटा सा घर में सारा सुख है, सारा सुविधा है, उस घर में कुछ भी कमी नहीं है। अब मैं, मेरा हस्बैंड बहुत सुखी जीवन जीते हैं, कोई उधार नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मेरा शरीर में भी कोई परेशानी नहीं, मेरे शरीर में भी कोई बीमारी नहीं। पास्टर जी, मेरे घर आके आप प्रार्थना किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, ऐसे वो चिट्ठी में लिखा हुआ था। मैंने उस जर्मनी सिस्टर के गवाही पढ़कर बहुत खुश हो गया, परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद किया। वचन संहिता 138 7 और 8 हम पढ़ेंगे, चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो भी यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा।